हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ मिल्टन की एक बॉटल फ्लास्क का। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह के बॉक्स में ये फ्लास्क आया है और ये फ्लास्क का ही बॉक्स है। मिल्टन का ब्रांडिंग दे रखा है यहाँ पर और इस फ्लास्क का फोटो दे रखा है। यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल फीचर्स दे रखे हैं। और चलिए अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये है मिल्टन का थर्मोस्टील फ्लास्क। काफ़ी सुंदर है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट है। 350 ml इसका कैपेसिटी है और सिल्वर कलर का ही इसका जो कलर है वो है। यहाँ पर ये इंसुलेटेड कप दे रखा है और यहाँ पर ऊपर आपको मेडिसिंस होल्ड करनी है, शुगर क्यूब्स होल्ड करनी है, या फिर आपके बेवरेज के अकॉर्डिंग आपको कॉफ़ी या कुछ होल्ड करना है तो आप उस ऊपर जो दिया हुआ कंपार्टमेंट है उसमें ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे फॉर कोल्ड बेवरेजेस रखने के लिए ऑर्डर किया है। आप इसमें कोल्ड हॉट दोनों ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कोल्ड बेवरेज रखना चाहें तो सिर्फ कोल्ड ही प्रीफर कीजिए, हॉट बेवरेज रखना चाहें तो सिर्फ हॉट ही प्रीफर कीजिए। कभी हमें इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए इस टाइप की फ्लास्क में या बॉटल्स में। इसका माउथ वाइड होने की वजह से आप इसमें इजीली लिक्विड पोर कर सकते हैं। तो मैंने इसे कोल्ड बेवरेजेस रखने के लिए ऑर्डर किया है और इसमें मैं जो भी जूस फील करती हूँ या कोल्ड बेवरेजेस फील करती हूँ वो 4 से 6 घंटे के लिए डेफिनेटली इसमें ठंडा रहता है। काफ़ी अच्छा है ये फ्लास्क। और आप अगर ऑफिस गोइंग है, स्कूल आपके किड्स के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, या फिर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, जिम जाते हैं, तो आप अगर आपके इस टाइप के बेवरेजेस कैरी करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लीक प्रूफ होने के साथ साथ इसका जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं अगर आपका पर्पस भी इस तरह से कुछ है तो। और मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी इस प्रोडक्ट को। मुझे पर्सनली ये बहुत ही अच्छा लगा फ्लास्क। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।